नमस्कार, जय जय सियाराम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज हमें एक रुद्राभिषेक कराने जाना है, उसके बाद जो है एक नामकरण है और भी बहुत सारा कार्य है। तो आज का पूरा दिन जो है थोड़ा व्यस्त होने वाला है और आज हम जो है थोड़ा विलंब भी हो चुके हैं। हमें 6:30 बजे तक यजमान के घर पहुंचना था, पर 6:30 अभी बजने वाला है, लगभग 6:20 हुआ है और हम अभी अपने घर से ही नहीं निकले हैं, तो हम लगभग 15 मिनट लेट से पहुंचने वाले हैं। यजमान का घर हमारे घर से नज़दीक है, 15 मिनट की रास्ता है, तो लगभग हम 15 मिनट ही विलंब से पहुंचने वाले हैं। तो इसलिए अब जो है हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं और हमें अभी बिल्वपत्र लेना है। बिल्वपत्र लेने के बाद जो है हम यजमान के घर तक पहुंच पाएंगे। तो अब जल्दी से यात्रा आरंभ करते हैं और आपको मिलते हैं यजमान के घर में। मतलब बिल्वपत्र लाए हैं? अरे ऐसा करेंगे तो कैसा काम चलेगा? हाँ, इतनी सारी फूलों की दुकान है, कहीं से व्यवस्था करवाइए फिर। देखिए कोई तो बिल्वपत्र लाया ही होगा। थोड़ा सा किसका 20-40 थोड़ा दिखना चाहिए, फ्रेश बस हो बिल्वपत्र। तो ये फूलों की दुकान है, पूरा लाइन से लगी रहती है। हम जहाँ रहते हैं नज़दीक में ही दुकान है और यहाँ बढ़िया माला इत्यादि फूल इत्यादि रंग बिरंगे फूल मिलते हैं। सेवंतिका है, गुलाब है, नीली सेवंती है, नीली सेवंती कहते हैं इसको, गुलाब है और गेंदे के फूल हैं। ये रजनीगंधा की माला है और इसमें जो है मधुकर बहुत आते हैं। तो मधुकर मतलब ये भंवरे, तो मधुमक्खी भी इनको कहा जाता है, भंवरा भी कहा। भंवरा थोड़ा बड़ा होता है, ये मधुमक्खी ही है। तो बहुत मधुमक्खियाँ बहुत आती हैं क्योंकि ये बहुत ही सुगंधित होता है। तो आप देख रहे हैं, हालांकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर बहुत ही ज़्यादा मधुमक्खी इस फूल के आसपास जो है आती रहती हैं। बिल्वपत्र लेते हैं जल्दी से और फिर हम लोग निकलते हैं। वो जो है ना दुकानदार लक्ष्मीकांत नाम है उनका, वहाँ लेने गए हैं क्योंकि वो आज लाना बिल्वपत्र भूल गए हैं। जय जय श्री राम। हम यजमान जी के यहाँ पहुँच चुके हैं, पूजन की तैयारी हो चुकी है। यहाँ जो है दूध दही है, गंगा ये है, नारियल पानी पूजन का सामग्री है, यहाँ घी शक्कर इत्यादि रखा हुआ है। ये हमारी छुटकी जो है उसका खेलने का खिलौना है। तो यहाँ पूजन का तैयारी सब हो चुका है, गणपति भगवान हैं, कलश की स्थापना बाद में की जाएगी और आचमनी पंचपात्र सब बना लिया गया है, पूजा के बर्तन सब। आशीष जी के यहाँ बर्तन जो है बढ़िया मिल जाते हैं, पीतल के सारे बर्तन मिल जाते हैं, कम से कम ही प्रयोग स्टील के बर्तनों का हो पाता है। जब कई विशेष बड़ी पूजा हो गई, जैसे आज रुद्राभिषेक में तो बर्तनों का ही सारा कार्य होता है, तो फिर वो एक्स्ट्रा जो है साफ़ सुथरे बर्तन, वो भगवान वाले बर्तन ही स्टील के रखे रहते हैं। और आज की यजमान जो है माई है का स्वास्थ्य जो है थोड़ा उत्तम नहीं रहता, तो उसी के लिए हरिद्वार से गंगा जल आया है और बड़ी मुश्किलों में आया है। तो हरिद्वार से मंगवाए हैं हम गंगा जल से, और कुशोदक मतलब ये जो गंगा जल है, गंगा जल में ही कुशा डाल करके कुशोदक बना करके इसको जो है अभिषेक किया जाएगा। यहाँ आम पत्ता है, बिल्व पत्र है और ये भगवान के लिए माला इत्यादि है, फूल भी इसमें रखे हुए हैं। पूजन की सारी व्यवस्था हो चुकी है, अब शीघ्रातिशीघ्र जो है हम पूजन आरंभ करते हैं। माई आरंभ करें, ठीक। निकाल करके दाहिने हाथ के उसी उंगली में पहन लीजिए जिसमें पहने हुए हैं। हाँ, पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतिसत्कामः पुने तच्छके अम्मा। हो गया जितना संभल पाए, ठीक है ना, आरामदायक है ना, मतलब परेशानी तो नहीं हो रही ना, ठीक ठीक ठीक। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यंतरः शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातो पुनातो पुंडरीकाक्ष
सर्वं शुचिः शैकदन्तश्च कपिलोकच कर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुकलाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये भीप्सितार्थ सिद्धार्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यज्ञकार्येषु सर्वदा बोलिए गणपते गजानन्द भगवान की जय। गणेश जी को 5 बार पंचामृत से अभिषेक कराइए। हरि ओम मा ओम उर्क्षमे सोनृता चमे पयश्चमे रसश्चमे घृतंचमे मधुचमे सिद्धिश्चमे सपीतिश्चमे कृखिश्चमे वृष्टिश्चमे जैत्रंचम उद्भिदियंचमे जघ्नेन कल्पन्ताम् मा चम्मच टच नहीं कराना चाहिए। हरि ओम मा पंचामृत स्नानम समर्पयामि पंचामृत के बाद 1 चम्मच शुद्ध जल चढ़ाइए। शुद्धोदक्षनानं समर्पयामि शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रानुभवरूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक्षनानान्तर्गते सकलपूजार्थे परिपूर्णार्थे पुष्पं समर्पयामि। फूल चढ़ा दीजिए। थाली में से पीला फूल उठाइए। इस फूल को आँखों में लगाइए। चश्मा निकाल करके सुगंध लीजिए। निर्माल्य पात्र में छोड़ दीजिए। इसमें जल लीजिए उसी हाथ में थोड़ा सा। इसी निर्माल्य पात्र में छोड़ दीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्यः पुनः अभिषेक पद प्राप्त्यर्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। फूल गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। गणपति बप्पा मोरिया मंगलमूर्ति मोरिया। देवताओं की स्थापना के बाद जो है नवग्रहों की स्थापना होगी तो आप हमको एक एक सुपारी उठा करके लेते जाइए। हरि ओम मा ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि विषमं सूर्यायैर्मह सूर्यं मा वाहयामि स्थापयामि पूजयामि इमं देवा सपत्नगुं सूर्यं महादेक्षित्राय महादेजेष्ठ्याय महादेजानराज्याय इन्द्रचेन्द्रियाय ईमामुखेपुत्रमुखेपुतमशिविषयकवोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्रह्मणानागुं राजा चन्द्रमसेन्महाचन्द्रं मा वाहयामि स्थापयामि पूजयामि अग्निर्मूर्धा दिवः पवित्रतिः पृथिव्या वयं मा पागुरयिता गुंसि गणपतिं भौमा यमहा भौमं मा वाहयामि स्थापयामि पूजयामि उद्बुधेष्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमिष्टापूर्ते सद्गुं सृजेतामञ्च अस्मिन् सदत्यद्युत्तरश्मिन् विश्वे देवा यजमानश्रसिजतं बुधा यमः बुधं मा वाहयामि स्थापयामि पूजयामि बृहस्पति अतिजतर्जोहाद्युमिभाजनेजाशुद्रमिनंदेह चित्रम बृहस्पत बृहस्पति वाहयामि स्थापयामि पूजयामि अन्नात्परिसृतो रसं ब्रह्मणाभिवचित्रं पयः सोमं प्रजापतिहृतेन सतीमिन्द्रियं विपानकं शुक्रमन्धसैन्द्रशेन्द्रविदं पयं मृतमिदं शुक्राय मह शुक्रं वाहयामि स्थापयामि पूजयामि शन्नो देवीरविष्टयापोहन्तु पीतये संयोर्विश्रवन् पुनः सनिश्चराय मह सनिश्चरं वाहयामि स्थापयामि पूजयामि कयानश्चित्रा भवदूति सुधावृतः सखा कया सदृष्टया वृता राहवेन मह राहुं वाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतुं कृणं न केतवे पेशों रजा हरिश्रे संकृतिरजा यथा ओं केतवे नमः केतुं वाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हाथ जोड़। गंगा जल जो है कुशोदक बनाया जा रहा है उसे। तो गंगा जल के अंदर जो है कुशा डाल दिया गया है। अब क्योंकि इससे बार बार प्लास्टिक के बर्तन से उसको नीचे रख लीजिए, नहीं तो गिर जाने की संभावना बनी रहेगी। हाँ, और ये चेयर जो है नज़दीक रख लीजिए थोड़ा। हाँ, तो बार बार नहीं रहेगा। तो अब करना ये है कि आशीष जी जो हैं श्रृंगी में जल भरेंगे और माई श्रृंगी पकड़ेंगी, है ना। पहले श्रृंगी में थोड़ा चंदन लगा लीजिए माई, यही वाला। हाँ, वहीं देखिए नीचे वो जो गाय का मुख बना हुआ है ना, उसमें लगाइए। यहाँ देखिए चंदन लगा होगा गाय के मुख। हरि ओम मा शोषशानो वृखभुवन भीमो घनाघनः क्षोभणश्चरेखणीनां मा संक्रंदनो निमिख एकवीरः सतग्गुंसेना अजयत्साकमिन्द्रः। तो भगवान का पूजन हो चुका है और पूजन के बाद का जो निर्माल्य होता है वो इसमें निकाल लिया गया है। और उसका कारण ये है
क्योंकि आशीष जी चाहते हैं कि वातावरण को और भी जो है बढ़िया रखा जाए। तो इन्होंने कहा है कि गंगा जल हम जो है एक अलग बर्तन में निकालेंगे और ये दूध का निर्माण अलग बर्तन में, ये जाएगा बड़े पेड़ के नीचे और गंगा जल जाएगा इनके गार्डन में। तो ये इनका सुझाव भी हमें बड़ा अच्छा लगा। हो गया, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत होती है पर अपने को ही तो करना है, कौन सा किसी को बोलना है। तो ये बढ़िया सुझाव है कि गंगा जल जो है हमारे पौधों में चला जाएगा। तो अब जो है हम आरंभ करें। चलिए, माई मन में नमः शिवाय, ठीक है, तो ये पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नहीं। अच्छा, खाली नहीं, हाँ, ओम षडक्षरी हो जाता है, आप पंचाक्षरी जपिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओंठ हिलना चाहिए आपका पर आवाज बाहर नहीं आना चाहिए, इसको अजपा जप बोलते हैं, इसका बड़ा महत्व होता है, नमः शिवाय नमः शिवाय, ठीक है ना। और अगर आवाज़ निकले तो अपने अलावा किसी और को सुनाई ना दे, बस इतना ही प्रयास ये किया जाए कि आवाज़ ना निकले, बस ओंठ हिलता रहे। चलिए शुरू करें। हरि ओं मा गणानांत्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणांत्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधेनांत्वा निधिपति गुं हवामहे, वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा, गायत्री त्रिष्टुप जागतियानुष्टुप पंक्त्या सह ब्रीवाजग्नमतन्वतब्बसन्तोषासीदार्जंग्रेक्मैद्महा सरद्धभिः सप्तास्यासं परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवाजद्दिनन्तन्नवानावधनन् पुरुखं पशुं वा जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त इत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम द्भ्यः संभृतः पृथ्वीरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टावि तदधरूपमेति तन्मर्दस्य देवतमाजानुग्रे वेदाहमेतं पुरुखं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात तमेव विदद्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विदियते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भेन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्याजोनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्हा तस्थुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आदपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातोन्मूरुचाय ब्राह्मैरुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदवर्वन्ना जिस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् स देवा संवसे सुरेश्च ते लक्ष्मी सपन्या बहोरात्रे मंत्रमदीमचवदेवन्त्रम्बकम्मा जथानो बसिसुर्गधानो शेषस्कदिधानो व्यवसाय यात भेखजमसि भेखजं गविश्वाय पुरुखाय भेखजं मा सुखं मेखाय मेख्यै त्रम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् द्वितीयोर्मुक्षीयमामृतात् तत्रम्बकं जजामहे सुगन्धिं पतिरेदनं मा उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः एतत्ते रुद्रावशन्तेन परो मूजवतोतीः अवदत धन्वापि नाकावशः कृत्तिवासा अहिगुंशन्नः शिवोतीः त्रायुखं जमदग्ने कृषभत्रायुखं माजद्देवे कुत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायु। चतुराई कर रहे हैं आप पर अब स्वास्थ्य स्वास्थ्य अच्छा नहीं ना माई, इसलिए तो आपको बैठना पड़ा ना। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं मन में ही। हरि ओम मा ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हरि ओम मा त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जे तीर्थानि प्रचलन्ति सृका हस्तानि खङ्गिणः तेखागुंसहस्रयोजने वधनवानि तन्मसि। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा वाला फूल वगैरह ना, पहले ये करते हाँ, पहले ये सब निकाल देते हैं, इसके बाद फिर उत्तर पूजा करेंगे भगवान शिव को, हम करते हैं ना। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा, ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा, ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। हरि ओम मा ओम
त्र्यंबकजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम मारुवारुकमे बंधना मृतियोर्मुक्षेमृतात महामृत्युंजय देवताभ्यो स्वाहा। ओं त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम मारुवारुकमे बंधना मृतियोर्मुक्षेमृतात स्वाहा। ओं त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम मारुवारुकमे बंधना मृतियोर्मुक्षेमृतात स्वाहा। ओं त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम मारुवारुकमे बंधना मृतियोर्मुक्षेमृतात स्वाहा। ओं त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम मारुवारुकमे बंधना मृतियोर्मुक्षेमृतात स्वाहा। ओं त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम मारुवारुकमे बंधना मृतियोर्मुक्षेमृतात स्वाहा। तो क्योंकि हमें पूजा में निकलना है तो इसलिए जो है छाछ पी के निकल रहे हैं, वो भी सेंधा नमक वाली। आशीष जी के यहाँ आते हैं तो जब भी आते हैं तो भोजन की व्यवस्था रहती है, परंतु बाकी पूजा है तो पूजा भोजन करा के भोजन करके नहीं करेंगे, इसलिए जो है ताजे दही का छाछ बना, घर का जमाया हुआ दही है, बाजार वाला नहीं है। तो बढ़िया, गर्मी के मौसम का यही तो आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। हम प्रकाश जी के यहाँ पहुँच गए हैं और विजय जी तैयारी कर रहे हैं। टैटू वाले पंडित जी हैं, टैटू का शौक रखते हैं, पूछ के अनुमति ले करके बनवाया है कि भैया बनवा लें कि नहीं। हम मना भी किए थे कि ये त्रिशूल और भगवान का नाम उम न बनवाना, पर अब ये जो है दिव्यात्मा हैं, थोड़ा पूछते हैं, थोड़ा अपने मन का करते हैं, ना विजय? अब शीघ्रातिशीघ्र इनका जो है विवाह होने जा रहा है। तो अब ये जो हैं क्या बोलते हैं उसका, कि सही हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। तो अब पूजा की तैयारी करेंगे। हम लोग अभी आए हैं थोड़ी देर पहले ही, हाथ मुंह धो करके, गर्मी बहुत है तो हमने अभी हाथ मुंह धोया, थोड़ा पानी वानी पियेंगे। तब तक विजय जी वहाँ तैयारी कर रहे हैं तो इसके बाद जो है हम भी वहाँ लग जाएंगे पूजा की तैयारी में, देखेंगे क्या कैसे। वैसे वो समर्थ हैं, अभी सब कर लेते हैं, हमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं रहती। उनको बस दिशा निर्देश देना होता है कि ये पूजा है, फिर वो अपने अनुरूप बना लेते हैं। मंडल इत्यादि है, सब कुछ बढ़िया है, विद्वान ब्राह्मण है। अच्छा लगता है जब कोई अपने साथ ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा दिशा निर्देश ना देना पड़े और अपना कार्य जो है बढ़िया सहज रूप से, सरल रूप से होता रहे। थोड़ी देर बाद जो है जल पियेंगे, जल पीने के बाद हम भी जो है पूजन की तैयारी में लग जाएंगे। मिलते हैं पूजन की तैयारी के बाद। पूजन की तैयारी जो है हो चुकी है, यहाँ नवग्रह बन चुके हैं, सर्वतोभद्र मंडल और गणपति षोडश मातृका का वहाँ स्थान दिया गया है। यहाँ भगवान गणपति लक्ष्मी हैं और गोपाल जी, आज इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। प्रकाश जी जो हमारे यजमान हैं, उनके पास गोपाल जी नहीं थे तो हमने ही सुझाव दिया कि यहीं बेंगलोर में एक दुकान है, वहाँ से जा करके ले आइए। तो बड़े ही सुंदर स्वरूप मिलते हैं, गोपाल जी का सुंदर स्वरूप है। तो यहाँ संपूर्ण पूजन की तैयारी हो गई है और विजय जी अपने जो है शिखा बांध रहे हैं। इनकी सबसे एक बड़ी कमजोरी यही है कि अपनी शिखा खुली रखते हैं। कई बार समझाए हैं, कई बार, अब तो लगता है समझाना भी बंद करना पड़ेगा, शिखा जो है खोल के रखते हैं। संपूर्ण तैयारी हो चुकी है, अब यहाँ जो है गोपाल जी का अभिषेक इत्यादि होगा। पहले प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके पास पश्चात जो है अभिषेक होगा। और ये जो देख रहे हैं नैवेद्य, ये खीर बनाई गई है गोपाल जी के लिए। तो पूजन क्या है, तो पूजन है संतान गोपाल मंत्र का, थोड़ा जप करेंगे, क्योंकि यजमान पत्नी जो है यह काफ़ी समय से जप कर रही हैं। उन्होंने हमसे पूछा था कि पंडित जी क्या जप करें संतान के लिए, तो हमने बताया था संतान गोपाल मंत्र का जप कीजिए। तो अब जो है उसी का पूजन और हवन है। यहाँ जो है आनंद जी आनंद लेकर पहुँच गए हैं। जय जय श्री राम। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। देर कर दी आप? मैं बिल्कुल समय पे है। तैयारी कौन करवाएगा? तैयारी हो गया है ना, तो इसीलिए तो कह रहे हैं देर कर दी आप। चलिए आइए आइए। तो ये आनंद जी हैं,
हमारे घनिष्ठ यजमानों में से, प्रिय तो क्या कहें, प्रिय छोटा शब्द हो जाएगा, घनिष्ठ यजमानों में से है। बड़ा अच्छा इनका वो क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा हमको लगता है। जब इनसे बातें करते हैं तो बड़ा आनंद आता है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं ये बात सच में, इसलिए मतलब ये स्तुति या तारीफ की बात नहीं है, ये हमारे हृदय की बात है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। छूटना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा अनुभव है। निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य हनजायते शुकलाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं षण्णवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोत्पशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ धर्मकार्यार्थ सिद्धये यज्ञकार्यार्थ सिद्धये श्रीमन्मंगल महागणाधिपतये नमः। ध्यानार्थे यक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि अथ प्रतिज्ञा संकल्पम् मा। इसमें कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमय जगत। शिखा जी नीचे हाथ लगाइए। हाँ एक 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 हाथ लगाइए बस काफी है। हाँ बढ़िया है। तीन बार बोलना है विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। विष्णुर 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 विभं विग्राम सासनारसने अभीतदुर्विराडजायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यर्चरपश्चाद् भूमिमधो पुरः। भगवते श्री सिद्धि विनायक देवताभ्यो नमो नमः। पाद्योपाद्यं जलम् समर्पयामि। थोड़ा सा अच्छे से मिला लीजिए। उल्टा काहे मिलाते हैं? उल्टा मिला रहे हैं ना? मिलाइए सीधा मिलाया। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो व्यक्ति को, जैसे कि अब शर्ट का बटन बदल कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे ना जाके नीचे से ऊपर जाने में क्या नुकसान है। तिलक लगाते हैं भगवान को तो ऐसे टिपकी देने से अच्छा है कि ऐसे दिया नीचे से ऊपर लगता है। हाँ ऐसा। चलिए पांच पांच बार। ओम पंच नदियः सरस्वतीम अभियन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधासु देशे भवत्सरितः। उच्चमे सुनिता चमे पयस्चमे रसस्चमे घृतञ्चमे मधुचमे सर्दिश्चमे सपीतिश्चमे गृहिश्चमे ऋषिश्चमे जैतञ्चम उद्भिदियञ्चमे यज्ञेन कर्वन्दाम्। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि भगवते श्री सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमो नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमो नमः। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्तर्गते शुद्ध जल स्नान समर्पयामि। पंचामृत गुरु जी को दे दीजिए। एक एक चम्मच आप जल चढ़ाइए। हरि ओम मा ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिबालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो वरुणस्य रुद्राय पशुपतये कर्णाजामाय वलिता रौद्राण भूरूपाः पाद्यन्याः। शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि सकलपूजार्थे परिपूर्णार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। थाली में से एक फूल उठाइए, दूसरा कोई फूल उठा लीजिए उसी थाली में से, आंखों में लगाइए, सुगंध लीजिए। धर्मपत्नी की आंखों में लगाइए, मारना मत। हाँ सुगंध लगाइए। हाँ गुस्सा निकाल लें, झगड़ा तो होगा नहीं आज, पंडित जी हैं तो। चलिए चलिए पुनः अभिषेक प्राप्त रथे गंधम पुष्पम समर्पयामि। भगवान को चढ़ाइए। अब जो है इसमें जल हम भर देते हैं। आपको करना यह है कि चम्मच के माध्यम से जो है, तो वो दो ना अभिषेक पात्र है ना, दे दो लोटा ही पकड़ा दो। हाँ केवल केवल लोटा दो। हाँ इसको पकड़िए आप, पकड़ लीजिए उसको। नीचे से जल बाहर आ रहा है ना। हाँ बस गणेश जी के ऊपर लगा के रखना है, श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का पाठ करना है, ठीक है ना। हरि ओम लम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं करोति।
हरि ओम माला की तरह पहनाना है। सुजातो ज्योतिका सहस्रमवरूथमा सद्वहावासो अग्नि विश्वरूपगो संव्ययस्वभिभावसो भगवते श्री सिद्धे विनायक देवताभ्यो नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रांतर्गते यज्ञोपवीतं मा जनेऊ। थोड़ा टेढ़ा चढ़ाना है, हमारी तरफ झुका के, हमारी तरफ। हाँ परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यज्ञोपवीतं उपहनयामि द्विराजमनीयं जलं समर्पयामि। दो चम्मच जल सहज में यहाँ छोड़ दीजिए, ऐसे ही लेकर के छोड़ दीजिए। रिहं द्विराजमनीयं जलं समर्पयामि ततः चंदनानुलेपनं समर्पयामि। चंदन त्वां गंधर्वाय खनस्वामिन्दुस्वां बृहस्पतिः त्वां मोहदे सोमो राजा विद्वान्यक्षमाद्यमुच्यता। हरि ओं मा भूर्भुवः स्वः श्री सिद्धे विनायक देवताभ्यो नमो नमः। वस्त्रं गंधानुलेपनं समर्पयामि। अक्षत चंदन के बाद चावल। रुक रुक रुक, कैंची मंगा देते हैं। आम पत्ते के ऊपर जो है ना, ये दोना रख दीजिए, चावल वाला दोना। पूर्णा दर्वी परा पता सुपूर्णा पुनरा पता उष्णे वक्रीणा वह इकमुर्जगो शतक्रतो श्रीश्चते लक्ष्मीश्चत्रिया बहुरात्रे वाश्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम् अक्षणन्निखाणम् इखाणम् सर्वलोकम् इखाणम् तद्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्धुरु सग्गो समान आयुः प्रमोकीः। तार्थे निमित्तार्थे अस्मिन् अस्मिन् पञ्चधातु पञ्चधातु प्रतिमा प्रतिमा मध्ये मध्ये उत्पन्न उत्पन्न तंकनादि तंकनादि ताडनादि ताडनादि अवघात आदि अवघात आदि दोष दोष परिहार परिहार अर्थम अर्थम अग्नि अग्नि उत्तारण उत्तारण पूर्वक पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा संकल्प संकल्प अहम अहम करिष्ये। भगवान के सामने पान के पत्ते के ऊपर अर्पित कर दीजिए। बायां हाथ हृदय में लगाना है, दाहिना हाथ मूर्ति के ऊपर ढक करके रखना है, थोड़ा ऊपर और उंगलियों को फैला दिया जाए, है ना। भाव यह है कि आपके हृदय में जो स्थित सूक्ष्म प्राण है वह इस मूर्ति पर आके अवस्थित हो जाए। भाव कि हम बोलते हैं ना, आत्मा में परमात्मा का वास होता है, तो उसी परमात्मा से हम यह प्रार्थना कर रहे हैं कि आकर के यहाँ आप विराजमान हो जाइए। विराड जायत विराजो अधिपुरुखः स जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् द्या सर्वभूतः संभृतं बृहदाज्यं मा पशु आद्रापयामि धूपान्तर्गते दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। लाइए मुझे। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाहुत्यै स्वाहा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लीजिए, उसी में डालिए, इसी में भर लीजिए। हाँ, आगे की धारा से छोड़िए बीच में। वसोः पवित्रमशी सदधारं वसोः पवित्रमशी सहस्रधारं मा देवस्त्वा सविता पुनात् वसो पवित्रेण सदधारेण सुपवाकामधुच्छः स्वाहा। तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी, तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो,
सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में शीश नवाऊं, हरि चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।